रिसेंटली बाला फिल्म हमने देखी है, बाला फिल्म के बारे में काफ़ी सुना था, लेकिन हमारे सामने जब फिल्म आई तो तय हो गया कि काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है। फिल्म जब बनती है, हमारे सामने आती है, तो उनका डायरेक्टर जो होता है, उनके डायरेक्टर के बारे में काफ़ी जानने की हमारी भी कोशिश रहती है, और आपको भी लगता होगा कि कौन है जो बनाने वाले हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं आपको स्टोरी सुननी पसंद होती है। तो अहमदाबाद में उनके डायरेक्टर आए हैं, उसको आपसे मिलवाने की मैं कोशिश करने वाला हूँ। अमर कौशिक मेरे साथ है। अमर जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बाला के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो ग्रामर है वो अब ब्रेक हो रहे हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में, कि बड़ी स्टार कास्ट होनी चाहिए तब भी फिल्म चलती है, वो हमने ब्रेक कर दिया है, वो ग्रामर ब्रेक हुआ है, और बॉक्स ऑफिस पर भी हमने वो एक जो मुकाम पाया है उससे तय हुआ है कि ये फिल्म लोग देखते हैं अगर अब हम लेके आए तो। लेकिन आपकी स्टोरी भी हमें सुननी है, आप कहाँ से आते हैं, फिल्मी कीड़ा जो आपको है उसके बारे में सुनना है, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? सो मेरे फैमिली बैकग्राउंड ये है कि मेरे पिताजी फॉरेस्ट रेंजर है, और पलाबड़ा में अरुणाचल में हूँ, और जवान हुआ हूँ कानपुर में, तो ये दो जगह पे रहा हूँ काफ़ी समय। फादर फॉरेस्ट रेंजर थे, तो बचपन से अरुणाचल में रहते थे, वहाँ पे स्कूल नहीं थे इसलिए कानपुर शिफ्ट हुए। सो यही है, और फिल्मी कीड़ा बस जैसे सबको लगता है फिल्में देख देख के, क्योंकि हम जहाँ पे हम थे अरुणाचल में वहाँ पे इंटरटेनमेंट का और कोई साधन नहीं था, पिक्चर देखते थे बचपन में, VCR में लेके आते थे कैसेट, और एक पिक्चर कम से कम 3-4 दिन चलती थी क्योंकि लाइट नहीं होती थी, तो आपके दिमाग में हमेशा घुसी रहती थी वो फिल्म क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कीड़ा जो आप बोल रहे हो वो वहीं से आया है। ये सवाल अगर बार बार आपको पूछा जाए तो मुझे लगता है उनका एक परफेक्ट आंसर नहीं होगा आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को भी फिल्म में आना होता है, सबको लगता है मैं हीरो हूँ। तो अमर कौशिक को क्या डायरेक्शन ही करना था या पहले हीरो बनना था? नहीं, हीरो तो मुझे कभी से नहीं बनना था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि ये थोड़े दिन के बाद जैसे मैं बड़ा होता था, हीरो बनना मज़ा नहीं है, क्योंकि जब मैं पिक्चर देखता था मुझे लगता था ये दुनिया बहुत अच्छी है, जो पीछे जहाँ पे ये लोग कलाकार जो कर रहे हैं, इनके पीछे कैसे बनती होगी, क्या करते होंगे, ये कौन सी दुनिया है, कैसा है, तो मुझे हमेशा से पीछे पर्दे के पीछे वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती थी। तो एक्टर हीरो बनने तो कभी मतलब सोचा भी नहीं, क्योंकि बहुत अलग अलग चीज़ें थी। हमेशा से ये था कि कहानी बोलने का बहुत मन करता था, बट आपको पता नहीं था कैसे कहानी बोली जाती है, क्या बोला, क्या डायरेक्टर क्या करता है क्या नहीं करता है, फिर उसके बारे में और पता किया कैसे करना है, फिर अपने जर्नी मैंने स्टार्ट करी मुंबई में आके असिस्टेंट डायरेक्टर। लेकिन मैं आपको पूछूंगा, आपको कहानी बोलना पसंद था, लेकिन खुद की एक कहानी होती है, हर बंदे की कहानी होती है, अगर आज बैठ के आप सोचते होंगे तो कहीं थोड़ा फ्लैशबैक में आप जाते होंगे, तो आपको लगता है कि कौन सा वो वाक्य था उसी समय आपको लगा कि मुझे फिल्म मेकिंग ही करना है? ऐसा एक वाक्य तो सच में नहीं है कि ये वाक्य में ऐसा आया और अब मेरी आंखें खुल गई और मुझे लगा मुझे डायरेक्टर बनना है, जो पिक्चरों में अमूमन हम दिखाते हैं कि एक इंसिडेंट से आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, वैसा मेरे साथ हुआ नहीं। बहुत सारे इंसिडेंट थे एक्चुअली। मुझे लगता है जब मैंने घर में एक बार मेरे डैड ने बोला कि इंजीनियर बनना है तुम बनो, उसके लिए तुम एग्ज़ाम दो ये दो, तो मैं एग्ज़ामिनेशन उनके कहने पे चला गया था। वहाँ पे जब लिख रहा था मैं एग्ज़ाम, तभी मुझे समझ में आ गया था कि ये मुझे नहीं करना है कि ये, और मैंने आंसर शीट पहने से रख दिया था और मैं कुछ और ही सोचने लगा था। और उस दिन मुझे लगता है उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि अगर ये नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा, तो तभी मैंने डिसाइड किया था कि नाउ हैव टू मतलब फाइंड माय वे। सो मैंने बोला कि फिल्मी कीड़ा मैं बोलूँ कि फिल्म बनानी है तो घर वाले नहीं मानेंगे, तो मैंने दूसरा तरीका निकाला, मैंने बोला मैं मास कॉम करता हूँ, मास कॉम के बहाने जर्नलिज्म के बहाने मैं फिल्मों में आया हूँ। तो मुंबई जाने के पहले जर्नलिज्म किया या मुंबई जर्नलिज्म उसके पहले जर्नलिज्म किया? उससे पहले मुंबई जाने से पहले फिर दिल्ली गया मैं, दिल्ली में जाके मास कॉम किया, मास कॉम करके सबकी प्लेसमेंट आज तक इधर उधर सबकी लग रही थी, तो मेरी भी लगी थी, लेकिन मैंने उनको बोला नहीं मुझे यहाँ पे प्लेसमेंट मिली नहीं है, मुझे बॉम्बे भेज रहे हैं, और बॉम्बे भेज रहे हैं करके मुंबई जाना है, तो फिर मैं मुंबई आ गया, जबकि कोई ऐसा प्लेसमेंट थी नहीं मुंबई में, बट वहाँ आके फिर एक मीडीटेक करके एक प्रोडक्शन हाउस है उसमें टीवी से स्टार्ट किया, और फिर उसी प्रोडक्शन हाउस में एक फिल्म आई बड़ी आमिर, छोटी फिल्म थी, बहुत छोटी फिल्म थी आमिर जब शुरू हुई, तो मैंने बोला कि मुझे वो फिल्म करनी है,
तो उन्होंने बोला जो सैलरी हम तुमको यहाँ मिलती है वहाँ नहीं मिलेगी। मैंने कहा वो सब चलेगा बट मुझे फिल्म करनी है, तो वहाँ से मेरी फिल्म जर्नी चालू हुई। फिल्म जर्नी शुरू हुई, लेकिन मुझे एक सवाल फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पूछना चाहिए। जर्नलिस्ट नहीं बनना था फिर भी आपको मुंबई आना था, इसलिए आपने वो मतलब साइंस नहीं करना, इंजीनियर नहीं बनना था इसे जर्नलिस्ट बने, उसके बाद आप फिल्म मेकर बनना था, लेकिन एक तय कर लेना कि ये नहीं करना है तो और कुछ करना है, लेकिन आसान नहीं होता है और मुंबई में तो नहीं। तो पहली जॉब जब मुंबई में आपको इस जर्नी जब आप शुरू हुई आपकी, तो कितना आसान नहीं होता है जब मुंबई में जाके काम खोजना। एक्चुअली मेरे लिए मैं बोलूँगा कि मैंने स्ट्रगल जो बोलते हैं ना स्ट्रगल, वो मेरे से हुआ, मुझे लगता नहीं कि मैंने स्ट्रगल किया है। जो प्रॉब्लम्स आई हैं मुझे लगता है वो मुझे एक्सपीरियंस मिला है। मतलब सीरियसली मैं बोलूँगा कि ये हो गया वैसा हो गया, मैंने ये किया वो किया, सड़कों पर सोया, सब ऑलमोस्ट वैसे ही किया मैंने, लेकिन मुझे लगा कि वो तो बहुत फैसिनेटिंग है, अगर वो नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में तो आप क्या कर रहे हो, मतलब सब कुछ आपके थाली में मिल रहा है वैसा। तो मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं है वो कि ये प्रॉब्लम हुई, पैसे नहीं थे, पैदल चल के ऑफिस जाते थे क्योंकि बस के पैसे नहीं थे, बहुत चीज़ें ऐसी छोटी छोटी होती है। लेकिन मुझे आज भी सोचता, उस समय भी सोचता था कि यार ये बहुत मज़ा आ रहा है ये करने में, कि आपको आप कुछ करना चाहते हो उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो आप। तो इवन थोड़ा लकी भी हूँ मैं उस, अगर मैं अपने आप को बोलूँ कि मुझे करेक्ट लोग मिलते गए बॉम्बे आने के बाद, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोग बोलते थे ख़राब लोग हैं, ऐसा कर लेंगे ये कर लेंगे, आपको आपको क्रेडिट नहीं देंगे, बट समहाउ एवरीथिंग वर्कड आउट। आपको लगता है कि ये जो अगर सक्सेस चाहिए हमें तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐसा कुछ होना चाहिए, तो किसी और को लगता है ये स्ट्रगल है, लेकिन आपके लिए एक मजा की वो जर्नी थी। लेकिन एक एग्जांपल मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि जो नई पीढ़ी है कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें अमर कौशिक बनना है लेकिन स्ट्रगल नहीं करना है, उनको थाली में सीधा चाहिए। तो एक ऐसा एग्जांपल दीजिए कि कहीं ना कहीं लगे कि भाई ऐसा सबके साथ हो सकता है। तो देखिए जो युवा पीढ़ी है, जैसे मैं बताता हूँ मेरा स्ट्रगल, या जो बोले अमर कौशिक बनना है ये तो अमर कौशिक तो कोई भी नहीं पहली बात, बट कुछ भी आपको बड़ा करना है उसके लिए आपको इन तुरंत कोई चीज़ नहीं मिलती। जैसे मैंने पहली फिल्म बनाने से पहले 10 साल तक मैं असिस्टेंट था, मैंने आमिर, नो वन किल जैसिका, घनचक्कर, आई एम सॉरी भाई, ऐसी कुछ कितनी फिल्म्स में मैंने असिस्ट किया और बिना ये सोचे कि मैं तैयार हो गया हूँ। मतलब आदमी बॉम्बे में जितने नए असिस्टेंट्स होते हैं या एक दो फिल्म बना लेते हैं, असिस्ट करते हैं या जो भी करते हैं, उनको लगता है कि वो फिल्म मेकर बन गए, हो सकता है बन गए हों, वो ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बने, सब सबके अंदर फिल्म मेकर छुपा है, लेकिन आपकी प्रतिभा आप बोल रहे हो उससे अच्छा सामने वाला बोले, मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और 10 साल जो मैंने असिस्ट किया, मैंने एक पल भी मैंने ये नहीं सोचा कि यार मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये था कि मैंने इसकी पढ़ाई नहीं करी है, मुझे अगर वहाँ जाना है तो मुझे ये काम दिल लगा के करना है, भले ही मैं फिफ्थ एडी हूँ, फोर्थ एडी हूँ, थर्ड एडी हूँ, सेकंड एडी, फर्स्ट एडी, जो भी है वो काम ऐसा करो कि आदमी सामने वाला बोले यार ये लड़का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। उसमें तुम मुद्दे के साथ आओगे कि मैं अच्छा काम करूँगा ताकि वो उसकी आंखों में दिखें और उसके बाद मैं डायरेक्ट करने को ही दे दें, वो आपके दिमाग में आएगा ना आपके काम में दिखेगा वो। तो मैं मुझे यही लगता है कि युवा पीढ़ी जो भी है, जो भी करो अपना रास्ता खुद, मतलब मेरे रास्ता है या किसी और का रास्ता है, इसका रास्ता कि इसने ऐसे किया था मैं भी वैसा करूँगा, ऐसा नहीं है, सबका अपना रास्ता है एक मुकाम पे पहुँचने का, तो वो ढूंढना है बस सबको। अगर बोलने की ज़रूरत नहीं, हमारा काम बोलेगा, वो ज़ोर शोर से बोलेगा। लेकिन शुरू में जब आपने कहा कि आप, अब थोड़ा फ्लैशबैक में चल रहे, जब आप मुंबई में आए थे, जर्नी आपकी शुरू हुई थी, क्योंकि फिल्म मेकिंग करना, बाला फिल्म बनाना वो बात की बात है, तो शुरू में आपका जो काम था तो शुरू में कैसे चैलेंज रहा था काम में, और लोगों को अच्छा सुनना पसंद है, लेकिन आपको और क्या क्या सुनना पड़ता था? मतलब आपका कहने का मतलब है कि क्या बुरा मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट ले जाते हैं शुरू में, लगता है कि भाई ये लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए, आपको कुछ आता नहीं, ऐसा भी शायद अगर किसी ने बोला। वैसा वैसा बहुत हर पल पे आपको कुछ ना कुछ होता है आपके साथ कि आप जिस तरीके की बात कर रहे हो, आप जहाँ से आए हो, आपको वहाँ पे लगता है कि आपको अपने आप को बिठाना है, आपको ये शहर आपको जाने, या आपके आपके ऑफिस वाले ये देखें कि हाँ ये कुछ अच्छा काम कर रहा है, या आप अपनी बात बोल रहे हो तो वो बात सुन कोई सुने, उसके लिए मेहनत लगती है, और मेहनत के साथ साथ मतलब आपको बहुत सुनना भी पड़ता है, सुनना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट देता हूँ कि मैं जहाँ रहता था शुरू में, जब नया आया था, तो मैं जहाँ रहता था, मेरा एक दोस्त था, वो उसकी उसकी जिस दिन की जॉब थी, मेरा कोई टाइम नहीं था, मैं जब शूट से होता था तब आता था,
तो सडनली एक दिन उसने मुझे बोला है भाई यार ये होगा नहीं, तुम अपना देख लो करके, मैं तो मुझे दिक्कत होती है तुम रात में आते हो ये वो। तो मुझे बहुत ख़राब लगा, मुझे लगा कि यार अच्छा ऐसा है, हो सकता है। तो मैंने तुरंत, एक ही बैग था मेरे पास, ज़्यादा सामान नहीं था, एक बैग एक रक्सैक वैसा था, वो दोनों लेके मैं ऐसे ही निकल गया। मैंने कहा देखते हैं क्या करेंगे। तो मैं ऑटो से ऑफिस जा रहा था क्योंकि सामान था, तो मैंने उसको पूछा भाई तुम लोग कहाँ रहते हो। उसने बोला जुहू में रहते हैं। मैंने कहा जुहू में रहते हो, अरे वाह। तो उसने बोला हाँ। तो मैंने कहा दिखाओ जरा कहाँ रहते हो। तो वो मुझे अपने घर ले गया, और घर क्या था, बेसिकली एक हॉल था, वहाँ पे छोटे छोटे बेड थे और वहाँ पे 15-20 लोग सो रहे थे, मतलब उनके बेड थे। सुबह ऑटो चलाते हैं, कोई कहीं जाता है और रात में आके सोते। मैंने कहा कितने का है, कहता है कि 50 रुपये रात का। तो मैंने कहा ये तो अच्छा है यार, रहते हैं। और सब मेरे घर में किसी को नहीं पता, मैं उधर था 2 महीने उनके साथ रहता था। वो आदमी मुझे ऑफिस छोड़ने जाता था ऑटो में, फ़ोन करता था मैं आऊँ क्या लेने। तो उसकी वहाँ रह के मुझे लगा कि इतनी कहानियाँ सुनने को मिली मुझे उन लोगों की, कि किस तरीके से वो लोग छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, किस तरीके से वो लोग मेहनत करके पैसा भेज रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार ये सब चीज़ें बहुत मज़ेदार हैं लाइफ में, होनी चाहिए सबके साथ। अमर कौशिक, आपकी कहानी मज़ेदार है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन फिल्मों में हम दोस्त बता दिखाते हैं, दोस्ती दिखाते हैं। ये कौन सा बंदा था, ये कौन सा दोस्त था जिन्होंने एक टाइम पे आपकी उंगली पकड़ी और आपको उनके, वो जो जहाँ ठहरे थे वहाँ रह गए, उसके हिसाब से आप मुंबई रह पाए और काम कर सके, उसका नाम चाहिए। जो ये ऑटो वाला था उसका नाम शंकर था। अभी अभी वो वापस यूपी चला गया है, अभी मुंबई में नहीं रहता है वो। उनके रूम में आप रहते थे? हाँ, उसके रूम में, मतलब उसके रूम में, उसका रूम नहीं था, वो हॉल था एक, तो वैसा हॉल था तो उसमें रहते थे। वहाँ पे 15-16 लोग थे हम लोग। तो शंकर को थैंक यू कहेंगे आज? हाँ हाँ, शंकर को हमेशा जब भी हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ। उसको बोला भी था तू मेरी पिक्चर देख के यार, तो बोलता कहाँ साहब यहाँ जाऊँगा, देखता हूँ मैं पटना जाऊँगा तो जाऊँगा वैसा। उसके बाद आपकी जो जो फिल्म मेकिंग की जर्नी शुरू होती है वो हमें समझनी है, क्योंकि इंजीनियर नहीं बनना था, मास कम्युनिकेशन किया था, लेकिन फिल्म मेकिंग करना वो थोड़ा डिफरेंट है मुझे लगता है। तो कहीं स्टडी किया आपने या काम से ही सीखे आप? तो वही काम से सीखते गए। 10 साल जो असिस्ट किया था उसमें एसोसिएट बना था, तो छोटे छोटे सेकंड यूनिट शूट करता था अपने दम पे, मतलब अपने उस पर होता है कि आप जाके शूट करके आओ तो अपने आप को कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सब पूरा जब तक दौरान ख़त्म हुआ था, उसके बाद ये हुआ कि अपने आप को पहचानना है कि अभी रेडी हुए कि नहीं। तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था आबा, अरुणाचल प्रदेश जाके बनाई थी मैंने वो शॉर्ट फिल्म, और सिर्फ अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि कितने पानी में हूँ मैं, कि मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं, या सिर्फ लोगों को लग रहा है, मुझे भी अपने आप को जानना है कि आता है कि नहीं। तो बहुत कम पैसे में जाके मैं शूट करके आया, और उसमें मैंने राजकुमार गुप्ता जिनके साथ जो मेरे डायरेक्टर रहे थे बाकी फिल्म्स में, नो वन किल जैसिका, आमिर घनचक्कर जिनमें, वो और मेरे एक बहुत करीबी दोस्त थे मित्तल, उनसे मैंने थोड़े पैसे मांगे, थोड़े अपने लगाए, और लगाने के बाद मैं शूट करके आया ऐसे ही देखने के लिए। जो देखने के बाद आया, एडिट किया, ये किया, उसके बाद सडनली ठीक ठाक बन गई पिक्चर। वो उसको फेस्टिवल में भेजना शुरू किया, तो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हो गई वो, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो खुशी हुई, लगा कि अच्छा आता है। वहाँ गए देख, वहाँ फिल्म जीत भी गई बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड। उसके बाद कम से कम 70 या 75 अवार्ड्स मिले हैं उसको, नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट शॉर्ट फिल्म का। तो उसके बाद आपको लगा कि हाँ आपको थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन फिल्म फिर आप वही फिल्म लेके आपने प्रोड्यूसर्स को अपनी कहानी बताई तो बोलते हैं यार ये तो बहुत ही आर्ट हाउस है, तुम कमर्शियल फिल्म कैसे बनाओगे या ये। तो मैंने कहा ये अलग फिल्म है, वो अलग फिल्म है, दोनों अलग अलग होंगी। तो शुरुआत में वो हुआ कि इस तरीके की फिल्म लड़का बना सकता है लेकिन आर्ट वाली फिल्म बना सकता है क्योंकि बहुत ही फेस्टिवल वाली फिल्म। तो फिर धीरे धीरे करते हुए मैंने राजन डीके को भी दिखाई थी जिनके साथ मैंने गोवा गॉन में असिस्ट किया था उनको, तो उन्होंने देखी, उन्होंने बोला कि एक फिल्म है छोटी सी ये करना चाहोगे क्या। मैंने कहा हाँ बताइए क्या है, तो उन्होंने स्त्री की कहानी सुनाई मुझे, मैंने कहा करते हैं। फिर उसके बाद मैंने उसको डायरेक्ट किया एंड देन स्त्री तक हम जाएंगे, उसके पहले मुझे एक सवाल करना है। आप खुद नहीं चाहते थे कि शॉर्टकट चाहिए, आपको खुद को लगता था लोग तय करें ना करें, आप खुद अपने को पहचानने की कोशिश कर रहे थे कितने पानी में है। 10 साल लगा आपको मुझे लगता है, लेकिन शॉर्ट फिल्म ने कामयाबी दिलाई, उसके बाद भी एक स्ट्रगल था जो एक मतलब धब्बा लग गया था कि आप तो 8 फिल्म ही बना सकते हो, तो वो कितना स्ट्रगल वाला पोर्शन था और उसमें क्या करना होता है, क्योंकि न्यू कमर्स को वो समझना है कि स्त्री मिली उसके पहले क्या क्या किया आपने? तो वो शॉर्ट फिल्म मिली, शॉर्ट फिल्म के बाद उसकी उसका काफ़ी मतलब प्रेज़ मिला उस शॉर्ट फिल्म को, जो भी देखता था बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म है, इंटरनेशनल लेवल की शॉर्ट फिल्म है,
मतलब सारे अवार्ड जितने उसको जहाँ जहाँ जिस जिस फेस्टिवल में भेजते थे, हर फेस्टिवल में या तो सेकंड मिलता था या थर्ड मिलता था या फर्स्ट मिलता था, कुछ ना कुछ अवार्ड आता ही था उसको, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगने लगा। लेकिन जब वही चीज़ आपने सिनेमा, अपनी फिल्म, बॉलीवुड फिल्म, बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, उसमें आप वो दिखा के आपने आप अपनी फिल्म बनाना चाहते हो, तो आपको उस तरीके का वो नहीं मिलता है सपोर्ट कि नहीं यार ये वाली फिल्म तो इतने में बनेगी, तुम ये वाले एक्टर आएंगे नहीं, ये नहीं होगा, तो वो वाला एक अलग स्ट्रगल होता है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है यार गलत किया कि आपने ये वाली फिल्म बना के, बट कहीं ना कहीं आपको ये होता है कि यही प्रोसेस है, इस प्रोसेस से भाग नहीं सकते आप, कि जो आपके ऊपर इतना पैसा लगाने वाला है, जो प्रोड्यूसर आप पे इतना ट्रस्ट करने वाला है, जो एक्टर आप पे ट्रस्ट करने वाला है, वो चाहेगा कि आप अच्छी फिल्म बना के उसको दें। शॉर्ट फिल्म इज़ लाइक थ्री सीन्स, फीचर फिल्म हैज़ सो मेनी सीन्स, और उसमें एक बड़ी मुद्दा, बड़ी कहानी बोलनी होती है, तो उसमें वो सिर्फ ट्रेलर दिखता है, आप पिक्चर बना पाओगे कि नहीं वो एक होता ही है। तो मुझे लगता है वो एक प्रोसेस होता है, फिर आपको कोई एक आदमी ऐसा मिलना चाहिए जो आप पे ट्रस्ट करे कहीं ना कहीं, जिसके साथ आपने ये कभी नहीं सोच के काम किया कि ये आदमी मुझे हेल्प करेगा, सडनली अगर उस वहाँ से दिखा तो उसको दिखेगा कि ये मेरी फिल्म बना, ये वाली कहानी ये बना सकता है। और सबके अपने अपने वो होते हैं कि मुझे ज़रूरत है उनकी, उनको मेरी, इसको उसकी, वैसे बनता है। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रोसेस है, इससे हताश नहीं होना चाहिए, वही एक तरीका है आगे बढ़ने का। आप हताश नहीं हुए थे, लेकिन जो शॉर्ट फिल्म बनी थी और स्त्री जब हमारे सामने आई, उसके पहले काफ़ी फिल्में आई, ऐसा नहीं कि पहली स्त्री फिल्म थी, लेकिन मुझे लगता था कहीं ना कहीं आपको वो सेटिस्फेक्शन होगा कि आपको जो बनाना है वो बना सकते हैं आप स्त्री में, बिल्कुल, क्योंकि उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज मुझे लगता है शायद नहीं करना पड़ा है। लेकिन स्त्री जब आपके सामने आई और सिनेमा कॉमर्शियल है हमारा, तो वो कितना बड़ा चैलेंज था, उसके बारे में अगर कुछ बता सकते। तो स्त्री जब आई मेरे पास, तो मुझे लगा कि ये फिल्म से मुझे अपनी करियर की शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो मुझे अपने आप में सवाल था, क्योंकि वो कहानी मेरी नहीं थी, कहानी राजन डीके की थी। बट ये होता है कि हमेशा फिल्म मेकर चाहता है कि पहली फिल्म वो अपनी खुद की बनाए, जिस जो उसने सोचा हुआ है। तो मुझे बट ये लगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कहानी आपको मिलती है, आप उसमें ये देखो कि आप अपने आप को कितना डाल सकते हो उसमें एज अ डायरेक्टर। तो मैंने अपने आप को 2-3 दिन लगे मुझे अपने आप को सोचने में कि ये फिल्म मुझे करनी चाहिए अपनी पहली फिल्म या नहीं, बट जब डिसाइड किया तो फिर मैं पूरा घुस गया उसमें, एंड देन उस फिल्म को मैं अपनापन डाला, उसको अपना एक स्टाइल सोच रहा था क्या बना सकता हूँ, किस तरीके से अपने स्टाइल की फिल्म बना सकता हूँ, या लोगों को लगे कि हाँ अमर ने बनाई है, अमर दिखे फिल्म में, तो वो कोशिश करी। और वो करते करते पूरी टीम की बदौलत, पूरी टीम के साथ मिलके एंड बन गई। फाइनली बाला अच्छी बनी है, हमारे सामने है। बाला के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा होगा आपको, लेकिन आप गुजरात में हैं और उनके राइटर गुजराती हमारे हैं, निरेन भट्ट, क्या कहेंगे? बहुत ही कमाल के राइटर हैं। मतलब शुरू में मैं किसी सोच रहा था कि किसके साथ लिखूं, क्या लिखूं, क्योंकि कहानी मुझे कानपुर में सेट करनी थी, और निरेन से मैं मिला था, मुझे लगा था कितना ही नॉनसेंस पकड़ पाएंगे कि नहीं गुजरात अलग है, ये कानपुर अलग है, कानपुर में एक अलग लहजा है बात करने का, क्योंकि मैं कानपुर से, तो मुझे पता है कि वहाँ का एक अलग ठेठ कानपुरिया एक होती है एक चीज़, वो कितना लेप के आएंगे। बट आई एम देखिए टैलेंट जो होता है ना, वो चाहे अच्छे राइटर या जो भी है ना, वो जहाँ के हैं वहाँ का ज़रूरी नहीं कि वहीं की चीज़ लिखें, वो समझते हैं, वो इतने पढ़े लिखे होते हैं, इतना उनको इतनी दुनिया देखी होती है, उनको समझ में आता है कि ये चीज़ ऐसे बोली जाती है, ये चीज़ ऐसे बोली जाती है। तो पहली चीज़ आती है कहानी। कहानी जब क्रिएट करते हो, जब स्क्रीन प्ले लिखते हैं, तो उसमें आपको लैंग्वेज की इतना मोटा मोटी वो नहीं चाहिए होती है। बट जिस तरीके से निरेन ने कानपुर में रह के, हम दोनों कानपुर गए, उन्होंने कानपुर को समझा, उन्होंने कानपुर को कानपुर में भावनगर के कैरेक्टर्स ढूंढे, जो उनको लगे कि अरे ये कैरेक्टर तो सेम हमारे उधर था, उन दोनों को उन्होंने मिलाया, और मिलाने के बाद जो उन्होंने कहानी लिखी वो कमाल, बहुत ही कमाल है। ओके, काफ़ी बातें करनी, लेकिन मुझे लगता है डिजिटल फॉर्मेट में थोड़ा लोग कम देखते हैं। हाँ। फिर बार एक बार मिलेंगे, एक और पड़ाव में मिलेंगे, बात करेंगे। लेकिन लास्ट में अगर आपको कुछ बोलना है ऑडियंस को, काफ़ी क्या होता है कि आप जर्नलिस्ट थे, पढ़ा है आपने, हमको लगता है हमको सब मालूम है, लेकिन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई सवाल मेरे से नहीं पूछा है मैंने, आपको बोलना है ऑडियंस को? हाँ, तो मैं वही ऑडियंस के साथ क्या बोलना चाहता हूँ ऑडियंस को, एक ही यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मेहनत से नहीं भागना चाहिए। आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो, वो हर कुछ भी छोटा बड़ा जैसा भी काम है, कहीं ना कहीं आपको उस मुकाम पे ले जाएगा, बिना आपको समझे कि ये काम से उस काम को फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हर काम से हर काम को फ़ायदा होता है। तो मैं यही बोलूँगा, ईमानदारी से
जो भी काम करें ईमानदारी से करें, लिखें तो बहुत ईमानदारी से लिखें, ये नहीं सोचें कि ये लिखेंगे तो किस एक्टर को पसंद आएगा या प्रोड्यूसर को पसंद आएगा, कि मतलब ऑब्वियसली पसंद आना चाहिए, पहले अपनी चीज़ आप लिखें, फिर उसके बाद देखें कि इसमें क्या कमियां हैं क्या नहीं है, एंड ईमानदारी से लिखें। मतलब उसमें आप ये मत सोचिए कि ये प्रॉब्लम ये करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, वो मत सोचिए, बिंदास लिखिए, ईमानदार रहिए बस। आपको एक लास्ट मुझे लगता है सवाल करना है, काफ़ी लोग सवाल ऐसे करते हैं अगर किसी सेलिब्रिटी को मिलते हैं, फिल्म एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, लेकिन मुझे एक सवाल और कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सफलता मिलने के बाद भी एक ऐसा फेज आता है जिसमें हम अपने आप को संभालना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो न्यू कमर्स को वो पर्सनली मुझे भी समझना है कि कहीं ना कहीं ये जो हम खुद मान लेते हैं कि इनको सफलता बोलते हैं निष्फलता बोलते हैं, तो क्या करना चाहिए उस समय, हमें कितना अपने आप पे काम करना चाहिए जब सफलता मिल रही है, सफलता मिल रही है उस टाइम, और जब सफलता नहीं मिलती उस टाइम। देखिए, सफलता नहीं मिलती है तो सफलता के लिए भागना चाहिए कि मुझे कभी तो कभी सफलता मिलेगी, और उसके लिए आपको काम करते रहना चाहिए, उसके लिए आपको निराश नहीं होना चाहिए, आपको हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी छुपी होती है, तो आप वो ढूंढने का काम आपको करना चाहिए। बात आती है जब सफलता मिल जाए उसको कैसे आप संभाल के रखें, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें बहुत लोग गिरे भी हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाए, बहुत टफ है, लेकिन बस ये रखना चाहिए कि जहाँ से आप आए हो आप उसको याद रखो, सर झुका के काम करते जाओ, क्योंकि जो सफलता है वो कभी सफलता का हर मुकाम बढ़ता जाता है, मतलब आपको यहाँ तक जाना था यहाँ तक पहुँचे आप, लेकिन वो आपकी गोल नहीं है, आपका कोई गोल कुछ और है, आपने अगर इसको समझ लिया ये आपका गोल है तो ख़त्म हो गया, फिर आपको सफलता हो गई आपकी। बट मैं अपने आप को ये देखता हूँ कि मैं अभी जहाँ पे भी हूँ बट यहाँ पे नहीं हूँ, अभी कुछ और भी करना है, और भी चीज़ें बोलनी है, बहुत कुछ करना है, तो वो मुझे अब मेरे लिए अभी तक मैं सफल नहीं हूँ, मैं मुझे अपने आप को सफलता मालूम नहीं, तो अपने आप को जब भी सफलता मिले आप सोचो आप सफल नहीं हो। आप गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल में आए हैं, उसका एक सवाल मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये न्यू कमर के लिए और यूथ के लिए अच्छी बात है कि आप लोग मुंबई से आते हो टाइम निकाल के और इतने अच्छे मतलब वर्कशॉप हो रहे हैं, तो GLF के बारे में बताइए। बहुत ही कमाल की इनिशिएटिव है, मतलब जिस तरीके से स्क्रिप्ट राइटर्स अपना राइटर्स और डायरेक्टर्स और जिस तरीके से सब लोग आके बैठते हैं और वार्तालाप करते हैं, वो लोगों के लिए स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा ही, हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि हम लोगों को बहुत सीखने को मिलता है यहाँ पे आके, कि आप किस तरीके के लोग किस तरीके की फिल्में देखना चाहते हैं, उनकी क्या सोच है, उनका क्या कहाँ बदलाव हो रहा है, अगर आप उन सब चीज़ से कटे रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है देश में। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, मतलब मैं बोलूँगा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, हर साल मैं आने की कोशिश करूँगा, और मैं भी आपको थैंक यू बोलूँगा, आपका सेशन है इसलिए मैं ज़्यादा इंटरव्यू नहीं लंबा करने की कोशिश कर रहा हूँ, निकली बार मैं मुंबई आऊँगा और फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।